एक बार की बात है, एक चमकदार नीले समुद्र में एक जादुई सुनहरी मछली रहती थी। यह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, इसमें किसी को भी इच्छाएं देने की शक्ति थी जो इसे पकड़ लेता था। किंवदंती यह थी कि इसके झिलमिलाते सुनहरे तराजू में अनंत संभावनाओं को खोलने की कुंजी थी। एक धूप वाले दिन एक छोटे से तटीय गांव में टिम्मी नाम का एक जवान लड़का रहता था। टिम्मी एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजों का पता लगाने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब टिम्मी किनारे पर खेल रहा था, उसने पानी में कुछ चमकते हुए देखा। यह जादुई सुनहरी मछली थी। उसकी खोज से उत्साहित टिम्मी ने सावधानी से मछली को उठाया और एक छोटी बाल्टी में रख दिया। जैसे ही उसने किया, मछली बोलने लगी, ओह दयालु बच्चे, कृपया मुझे वापस समुद्र में छोड़ दें। बदले में मैं आपको 3 इच्छाएं दूंगा। टिम्मी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने इस अविश्वसनीय मछली के बारे में कहानियां सुनी थी और अब उसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने का अवसर था। हालांकि एक विचारशील और निस्वार्थ युवा लड़का होने के नाते टिम्मी एक पल के लिए झिझका। उसने उन चीजों के बारे में सोचा जो वास्तव में उसके लिए मायने रखती हैं और कैसे वह दूसरों को खुशी देने के लिए इच्छाओं का उपयोग कर सकता है। एक मुस्कान के साथ टिम्मी ने सुनहरी मछली को आजाद करते हुए धीरे से बाल्टी को पानी में उतारा। तत्काल विशाल महासागर में गायब होने से पहले टिम्मी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मछली प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण में परिवर्तित हो गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, टिम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पहली इच्छा पूरी की। मैं चाहता हूँ कि गांव के सभी बच्चों को पर्याप्त भोजन और साफ पानी मिले, वह गंभीरता से फुसफुसाया। देखते ही देखते गांव का कायाकल्प हो गया। खेत फसलों से लहलहा उठे और जमीन से पानी के ताजे झरने फूट पड़े, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बच्चा फिर कभी भूखा या प्यासा न रहे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए टिम्मी ने गांव के उन बुजुर्ग लोगों के बारे में सोचा जो अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। मैं सभी बुजुर्गों के लिए खुशी और साहचर्य की कामना करता हूं। उन्होंने ईमानदारी से कामना की। तुरंत ही गांव का चौराहा हंसी और संगीत से भर गया, क्योंकि सभी उम्र के लोग कहानियों को साझा करने, नृत्य करने और जीवन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। बुजुर्गों को नए दोस्त और साथी मिले और उनकी मुस्कराहट से गांव जगमगा उठा। अंत में टिम्मी ने अपने परिवार और उनके सपनों के बारे में सोचते हुए अपनी अंतिम इच्छा पूरी की। मैं अपने माता पिता के समुद्र के किनारे एक आरामदायक घर के सपने के सच होने की कामना करता हूँ। उन्होंने अपने दिल में आशा के साथ कामना की। तुरंत एक खूबसूरत घर तट पर दिखाई दिया जो चमकदार नीले समुद्र को देख रहा था। यह वह सब कुछ था जो उसके माता पिता कभी चाहते थे, एक ऐसी जगह जहाँ वे एक परिवार के रूप में एक साथ प्यार भरी यादें बना सकें। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, गांव खुशी, एकता और प्रेम से फलता फूलता गया। यह सब टिम्मी की निस्वार्थ इच्छाओं के कारण हुआ। सुनहरी मछली के जादू ने उनके जीवन के हर कोने में खुशियां ला दी थी। टिम्मी समझ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ चुनाव करने से मिलती है। उस दिन के बाद से वह पूरे गांव में दया फैलाता रहा, सभी को उसके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। और इसलिए सुनहरी मछली और टिम्मी की कहानी एक किंवदंती बन गई जो लोगों को करुणा की शक्ति, उदारता और अधिक अच्छे के लिए अपनी इच्छाओं का उपयोग करने के महत्व की याद दिलाती है।